अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मकासम सिद्दीकी है और कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काउंटर्स के बारे में। आज का जो टॉपिक काउंटर है, इसके अंदर हम देखेंगे काउंटर क्या चीज़ होती है, बाइनरी काउंटर्स कौन से होते हैं, 4-bit ट्रिपल काउंटर क्या है, BCD काउंटर्स के बारे में, अप डाउन काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर्स कौन कौन सी चीज़ें हैं। काउंटर्स हमारे पास मोर और लेस सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। जस्ट फर्क ये होता है रजिस्टर्स के अंदर कि रजिस्टर हमारी चीज़ों को जस्ट सेव कर रहा होता है, जबकि काउंटर और टाइमर ये नाम से जाने जाते हैं अपने। जैसे काउंटर का काम हमारे पास काउंट करना है। रियल लाइफ के अंदर हम अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये चीज़ हमारे पास स्टॉपवॉच वगैरह भी हो सकती है, हमारे पास काउंटिंग वॉच जो आती है किसी चीज़ को काउंट करने के लिए वो भी हो सकती है, कोई और दूसरी चीज़ जहाँ पे काउंटिंग का काम चल रहा हो, जैसे अक्सर जगहों पर पैसे गिनने की मशीन रखी होती है या इस तरह की और दूसरी चीज़ें जो काउंट कर रही हैं किसी भी चीज़ को, वो इन काउंटर्स अगर वो थ्रू प्रोग्राम या थ्रू डिज़ाइन काम किया हुआ है कंप्यूटर के थ्रू, तो वो इन काउंटर्स से बनाई जा सकती हैं। काउंटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसके अंदर हम इनपुट्स दे रहे हैं कुछ क्लॉक या विदाउट क्लॉक के लिहाज से वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। काउंटर्स बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेट को या किसी भी एप्लीकेशन की इनपुट को, पल्सेस को काउंट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट कि कितना उनको काउंटिंग कहाँ तक जानी है, टूवर्ड्स हाई साइड और टूवर्ड्स लो साइड। हाई साइड से मुराद ये है कि ज़ीरो से ऊपर तक या किसी मैक्सिमम पॉइंट से वापस ज़ीरो तक काउंट करना है उन्हें। ये मोस्टली क्लॉक पल्स को या उस टाइम ड्यूरेशन को, उस सीक्वेंस को या उस सीन को काउंट कर रहे होते हैं जो हमने इसके अंदर असाइन किया होता है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हाई पल्स आने के बाद काउंट कम हो जाए या 50 से कम हो के 49, इस तरह से लेट्स से, या 0 से 1 हो जाए, इस तरह से काउंट कर रहा होता है। काउंटर्स जो हैं हमारे पास n बिट्स तक हो सकते हैं। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो तरह के काउंटर्स आते हैं, एक आता है हमारे पास रिपल काउंटर और दूसरा आता है हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर। रिपल काउंटर हमारे पास दूसरा नाम है हमारे एसिंक्रोनस काउंटर्स का, जिसके अंदर हमारे पास क्लॉक पल्स का कोई एस सच फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, या कहेंगे क्लॉक पल्स जो है वो इंटरनली कनेक्ट होती है एक दूसरे से, या जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट ऑफ प्रीवियस वन। अगर हम काउंटर्स की बात करते हैं तो काउंटर्स हमारे पास सिंपल फ्लिप फ्लॉप्स ही हैं जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स के गुजरने के बाद मेमोरी में वापस चले जाते हैं या अपनी फंक्शंस के अंदर वापस चले जाते हैं। बात करते हैं हम अपने बाइनरी रिपल काउंटर की, किसी भी 3-bit लेट से हम बात करते हैं बाइनरी रिपल काउंटर की, तो आइडिया क्या है इसके पीछे इसको बनाने का। हमारा काम ये होता है कि हम आउटपुट को किसी भी फ्लिप फ्लॉप के कनेक्ट कर दें इनपुट से हायर फ्लिप फ्लॉप की वाले फ्लैट से। अगर कोई फ्लिप फ्लॉप हमारे पास नंबर 1 पर रखा हुआ है और हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, एक नंबर 1 पे, एक नंबर 2, एक नंबर 3 के पर रखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, नंबर 1 का आउटपुट निकाल कर नंबर 2 के इनपुट में प्रोवाइड कर देना है, नंबर 2 का आउटपुट निकाल कर नंबर 3 के ऊपर इनपुट में प्रोवाइड कर देना है। इस तरह से हमने अपनी चीज़ों को काउंट करना होता है। यहाँ से हम जो क्लॉक प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या कहो कि हम किसी एक को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बाकियों को वो इंटरनली खुद ही से या इन्हीं पल्सेस से जो एक का आउटपुट दूसरे में जा रहा होता है वो इन्हीं की बेसिस पे अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने और वर्किंग की, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है फ्लिप फ्लॉप को। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि अगर इनपुट हाई आ रहा है तो उसको लो कर दिया जाए, लो आ रहा है तो उसको हाई कर दिया जाए, जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसको इन्वर्स कर दें, उसको पलट दें। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम या तो यूज़ करते हैं अपना टी फ्लिप फ्लॉप कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, या जे के या डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं हम अपने जो आउटपुट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए। अगर जे के का यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम इनके इनपुट्स को टाइट कर देते हैं, या कहें कि हम एक साथ इनको मिला देते हैं, जैसे नैंड वगैरह को अगर हम इनपुट मिला दें तो उसका आउटपुट हमारे पास नॉट के फॉर्मेट में आ रहा होता है, या अगर डी फ्लिप फ्लॉप है तो हम उसको नॉट के साथ मिला कर वर्किंग के अंदर लेकर आ सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल गिवन है बाइनरी 4-bit बाइनरी रिपल काउंटर की। यहाँ हम देख सकते हैं वहाँ पर दो तरह की चीज़ें दी हुई हैं, एक जगह पे जहाँ पे हमने लॉजिक बाहर से दी हुई है और दूसरे में लॉजिक नहीं दी हुई, हम सिर्फ काउंट देते हैं कि हमें कौन सा काउंट चाहिए और फिर वही एक ए नॉट का ए वन में ए टू में ए थ्री के अंदर और एंड सो ऑन चलता जाता है। जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक डिफाइन कर रहा होता है कि हमने कहाँ पर कौन सा इनपुट प्रोवाइड करना है। वैसे ये असल में वर्किंग जो है अलग अलग जो हमने यहाँ पे शो की हुई है, ये टी और डी फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने क्या कहा है कि हम उसको कंबाइन कर लें और फिर उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है या जो भी दूसरी चीज़ है, वो हम एक दूसरे के साथ मिलाते जाएंगे। जैसे इसका ए नॉट दूसरे के डी से, फिर उसका ए वन दूसरे के डी से, इस तरह से मिलता जा रहा है या काउंट से मिलता जा रहा है। यहाँ पे है तो वैसे ही, जैसे ए नॉट घूम के दूसरे अकाउंट में, फिर ए वन घूम के दूसरे अकाउंट में, ए टू घूम के दूसरे अकाउंट में, लेकिन हमने इसको फिर बाहर से टी की जो लॉजिक है वो प्रोवाइड करनी है। सपोज करा कि हमने 110 दिया हुआ है, 110 जो है हमारे पास 12 को काउंट कर रहा होता है। अगर हमने बाइनरी रिपल काउंटर बनाया हुआ है 4-bit का, अब 4-bit से मुराद क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1100 लिखा हुआ है बाइनरी का, तो ये पहला 1 एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट, यहाँ पे दो स्टार्टिंग लेफ्ट मोस्ट साइड और उसके बराबर वाली आपके पास 1 है और फिर उसके बाद जो दो बिट्स हैं वो आपके पास कौन सी हैं, 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट या राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है वो 0 है, उसके साथ वाली जो है वो 0 है। होता क्या है, हम एक बिट देते हैं, उसका नॉट निकलता है, दूसरी बिट के अंदर जाता है, फिर उसका नॉट निकलता है, तीसरी बिट के अंदर जाता है, एंड सो ऑन चलता जाता है, इन द एंड हमारे पास आंसर प्रोवाइड हो जाता है। जैसे लेट से हमने जैसे ये प्रोवाइड करा तो इसका आउटपुट निकल गया 0, फिर उसका नॉट निकल के दूसरे के अंदर आ गया 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह से। जैसे जैसे ये काउंट आप पूरा इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम लॉजिक यहाँ से पूरी प्रोवाइड करेंगे 1100 या 0011 करके, तो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर हमारे पास पूरा काउंट बन जाएगा इसका। उसके बाद फिर हमारे पास रिपल के अंदर ही आता है स्टेट डायग्राम। इसके अंदर होता क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हाईएस्ट वैल्यू को इनपुट प्रोवाइड कर दें प्रीवियस वैल्यू के आउटपुट को। जैसे 000 के ऊपर जो भी आउटपुट आया होगा वो हम उठा के दे देंगे 0001 के ऊपर, फिर इसका जो भी आउटपुट बन रहा होगा वो हम दे देंगे 2 के ऊपर, 2 का जो बन रहा होगा 3 के अंदर, 4 के अंदर, एंड सो ऑन टिल एंड तक, और फिर हमने उस चीज़ को वापस कंटिन्यू कर दिया इफ़ ज़रूरत है, या हमने फिर वापस से इनिशियल स्टेज के ऊपर लेकर आ गए। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन शो हुई हुई है किसी भी स्टेट की रिपल के अंदर। फिर वही डायग्राम हमारे पास जेके के लिहाज से बनाई हुई है रिपल काउंटर के अंदर। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है हमारे पास मल्टी डिजिट बीसीडी काउंटर। बीसीडी हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल को कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल के अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी डेसिमल हैं वो सब 3 places या वो सब 4 places को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 4 places को रिप्रेजेंट करने से मुराद ये है, या 4 represent कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डेसिमल में 1 लिखता हूँ तो ये BCD के अंदर 4-bit को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस तरह से। मैं अगर इसको लेट से 0 भी लिखता हूँ अगर, तो ये 0 भी मेरे पास 4 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर अगर मैं इसको लेट से 7 लिख देता हूँ, लेट से डेसिमल का 7, वैसे अगर बाइनरी में देखेंगे तो हमारे पास 3 1 होते हैं, लेकिन अगर आप बीसीडी में देखेंगे तो हमें इसको 4 places के अंदर ही शो करना है। ये 0 लिखना ज़रूरी होता है, बीसीडी के अंदर 4 places शो करना ज़रूरी है, इसलिए आप देखें आउटपुट के अंदर क्या है, 4 places शो हो रही हैं, A0, A1, A2, A3 सब के अंदर। और जब हम बात करते हैं मल्टी डिजिट की, तो मल्टी डिजिट से मुराद ये है कि हम एक से ज़्यादा BCD एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लेट से 13 प्रोवाइड कर दिया तो 4 bits इसकी आ जाएंगी मेरे पास, लेट से इस तरह से 0001, और इस 3 की 4 bit आ जाएंगे मेरे पास 0011 करके, एंड सो ऑन, फिर हमारे पास वैल्यूज चलती जाएंगी इस तरह से। और मल्टी डिजिट के अंदर यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, हम 3 digits का आउटपुट एक साथ जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी ऐसे होता है कि एक का जो हाईएस्ट आउटपुट है वो दूसरे का काउंट के अंदर चल जाता है, फिर इसका हाईएस्ट आउटपुट दूसरे के काउंट के अंदर जा रहा है। फिर यहाँ तक हमारे पास था एसिंक्रोनस या जिसको हम कहते हैं रिपल काउंटर्स। इसके बाद फिर हमारे पास आता है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हमारे पास क्लॉक कॉमन होती है सबकी।
यहाँ पे हम किसी भी प्रीवियस के आउटपुट को नहीं देख रहे होते, यहाँ पे हमारे पास सबको एक साथ या एक जैसी कॉमन क्लॉक प्रोवाइड हो रही होती है। अगर टी किसी एक के लिए ज़ीरो है तो वो बाकी सब के लिए ज़ीरो होगा, अगर वो किसी एक के लिए वन है तो वो बाकी सब के लिए वन होगा। इसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स के अंदर बताया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट या प्रोसेस को फॉलो करने की। ए नॉट जो है हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा, ए वन जो है कॉम्प्लीमेंट होगा ए नॉट का, ए टू जो है कॉम्प्लीमेंट होगा ए नॉट एंड ए वन का। मतलब जो ए नॉट होगा, जो भी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू ए नॉट की आ रही होगी हमारे पास, हम क्या करेंगे, ए वन को ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ए टू को ए वन का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ये सब एक दूसरे के बैक टू बैक कॉम्प्लीमेंट बने हुए होंगे। अगर ए नॉट की कोई वैल्यू आ रही होगी तो ए वन की इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा, ए टू का कॉम्प्लीमेंट ये बन रहा होगा, ए थ्री का कॉम्प्लीमेंट ये बन रहे होंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल काउंटर, या जिसको हम अप डाउन बाइनरी काउंटर भी बोलते हैं। अप डाउन बाइनरी काउंटर या यूनिवर्सल काउंटर वो काउंटर होता है जो अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। अभी जैसे अप और डाउन की बात करते हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि दो तरह के काउंटर हो सकते हैं, एक वो जो हायर पोजीशन से लो की तरफ या लो से हाई, दूसरा जो है लो से हाई की तरफ जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाई से लो की बात करें, लेट्स से आपकी हाई वैल्यू 50 है तो वो 50 से कम होगा, जीरो आ रहा है। अगर कोई काम 50 तक आपने परफॉर्म करना है, आपने वहाँ पर लिख दिया 50, और जिस तरह से आप काम वर्किंग परफॉर्म करते जा रहे हैं आपका टास्क वहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ पर आपका काउंट ख़त्म होता जा रहा है। लेट्स से कि आपको कोई 10 फाइल प्रोसेस करनी थी, अब वो 10 फाइल जैसे जैसे आप फाइल प्रोसेस करते जाएंगे आपका काउंट वहां से कम होता जाएगा। दूसरी एग्जांपल के तौर पर लेट्स से कि आपको कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए 12 लेक्चर देखने हैं, ये 12 लेक्चर या 12 नोट्स को आपने गो थ्रू करना है, अब आपने लिख दिया 12। अब जिस तरह से अगर आपने एक स्लाइड या एक लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिया तो वो काउंट कम होकर 12 से 11 आ जाएगा, फिर 10, 9, 8, 7 इस तरह से सो ऑन। तो ये डाउन काउंटर कहला रहा होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ डाउन साइड्स की तरफ आ रहा होता है, डाउन वैल्यू की तरफ जा रहा होता है। अप के लिए क्या होता है, जैसे हम अक्सर बैंक्स वगैरह के अंदर देखते हैं हमारा काउंट बढ़ रहा होता है साथ साथ, जैसे जैसे कोई चीज़ आ रही है हम अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। इसकी अप और डाउन काउंटर की मिक्स एग्जाम्पल या एक बेसिक एग्जाम्पल जो है हमारे पास पार्किंग लॉट की आ सकती है। एक पार्किंग लॉट है जिसके अंदर हमारे पास स्पेस है लेट्स से 50 कार्स की। अब जैसे जैसे गाड़ियाँ अंदर आती जा रही हैं, हमने जैसे आज सुबह ओपन करा, अभी कोई कार अंदर पार्किंग में नहीं थी, जैसे पहली कार अंदर पार्किंग के अंदर गई वहाँ पे काउंट आ जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। जिस तरह से कार अंदर एंटर होती जाएंगी हमारा काउंट अप होता जाएगा फ्रॉम 0 टू अपवर्ड। फिर जैसे जैसे कार वहाँ पर लेट्स से कार वहाँ से निकलना शुरू हुई, हमारा काउंट अभी 5 तक या 10 तक पहुँचा था, जैसे ही कार वापस बाहर निकलेगी वहाँ पार्किंग लॉट से हमारा वो काउंट 10 से कम होकर 9 हो गया, 8 हो गया, या और इस तरह से 50 से कम होकर 49, 48 हो गया। तो ये हमारे पास कहला रहा होता है टाउन काउंटर। तो वहाँ पे हमारे पास अप और डाउन दोनों काउंटर एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें बताया हुआ है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 दिया हुआ है तो डाउन काउंटर में हमारी नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 3। या अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से 12 दिया हुआ है तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पे हमें बता दिया यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट होगी 11 इस तरह से। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर अप और डाउन काउंटर को हमने एक नॉट के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है। अगर हमें डाउन काउंटर देना है तो हम एक एंड गेट नॉट के थ्रू दे रहे होते हैं, या डाउन की जो भी वैल्यू है वो और अप की वैल्यू का नॉट। और अगर हमें सिंपल देना होता है तो हम अप का 1 प्रोवाइड कर रहे होते हैं सिंपल। ये सिंक्रोनस बीसीडी काउंटर की हमारे पास एग्जांपल है जिसमें प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स की वैल्यू गिवन है। ये हमारे पास स्टेट टेबल बनाया हुआ है उसका। फिर वही वाली बात हमारे पास आ जाती है जैसे हम रजिस्टर के अंदर बात कर रहे थे पैरेलल लोड की, यहाँ पे भी पैरेलल लोड का यूज़ वही आता है कि हम अपनी वैल्यू को सेव रखें। अगर हम अपनी जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही काम कर रहे थे जैसे रजिस्टर, तो अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो चीज़ बहुत सेकेंड्स के अंदर, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हमारे पास सेव रहेगी उस बिट के अंदर, और जैसे ही वो टाइम या जैसे ही वो साइकिल जाएगा हमारी वो चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी, प्रोसेस होकर आउटपुट ख़त्म हो जाएगा डिस्प्ले।
से, अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोसेस वहाँ पर रहे, अगर वहाँ पे थ्री है तो वहाँ पे थ्री रहे अनटिल अनलेस कि हम ना चाहें या हम कोई वहाँ से स्टेट चेंज ना कर दें, तो उसके लिए हम वहाँ पे लोड का फंक्शन लगाते हैं, या जिसको आप सिलेक्टर भी कह सकते हो कि वो सिलेक्ट कर रहा होता है कि कब तक वैल्यू रहनी है और कब वो वैल्यू चली जाएगी। अगर आपकी क्लॉक अगर आपने क्लियर ज़ीरो किया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपका पास क्लियर वन है, लेट से क्लॉक हाई है, लोड वन है तो लोड इनपुट होगा, अगर काउंट वन है तो काउंट अप होगा, अगर दोनों चीज़ें ज़ीरो हैं तो नो चेंज चल रहा होगा आपके फंक्शन में। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और काउंटर्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक आता है रिंग काउंटर और दूसरा आता है हमारे पास जॉनसन काउंटर। रिंग और जॉनसन काउंटर मोर ऑर लेस सेम ही है, बस थोड़ा सा फंक्शन के अंदर डिफरेंट है। रिंग काउंटर क्या करता है, जैसे ही आपकी वैल्यू ख़त्म होती है तो जैसे रिंग एक सर्किल के अंदर चल के वापस अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाता है, रिंग काउंटर में भी ऐसा ही होता है, वो वापस घूम कर अपने इनिशियल स्टेज कर ऊपर आ जाता है, अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है और फिर इनिशियल स्टेज पर आ जाता है। यहाँ पे हम कोई दूसरा फंक्शन एज सच परफॉर्म नहीं करते, जबकि जॉनसन के अंदर क्या होता है, जॉनसन के अंदर जब भी हम अपना आउटपुट जनरेट करते हैं तो वो इनिशियल स्टेज पे जाने से पहले अपनी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट का है। आज के लेक्चर में हमारे पास यहीं तक था, आज का जो लेक्चर हमने लिया है वो लिया है डिजिटल डिज़ाइन 5th एडिशन फ्रॉम मॉरिस से। थैंक यू।